नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके पहले हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है संश्लेषण होना या निर्माण होना। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का निर्माण होना। मेगास्पोर का निर्माण ओव्यूल में होता है, बीजांड में, और बीजांड होता है अंडाशय के अंदर, और अंडाशय होता है पुष्प में। ठीक है, ये पौधे का मादा जननांग है, इसे अंडव कहते हैं। इसके पहले हमने बीजांड में बताया था। अंडव के तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक अंडाकार सा बीजांड होता है जो फ्यूनिकल के द्वारा यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो उस समय बीजांड तरुण अवस्था में होता है। यंग स्टेज में बीजांड कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके अंदर अभी भ्रूण कोष नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसमें अभी मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, देखिए, जो बीजांड होता है ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है और इसके मुख्य भाग को कहते हैं बीजांड काय, न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस का आधारीय भाग चलैजा कहलाता है और इसके एपेक्स पर एक छिद्र होता है जिसे माइक्रोपिल कहते हैं। यहाँ पर पूरी कोशिकाएं हैं और ये पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं। इस कोशिका के अंदर एक स्पेशल सेल होती है। यहाँ पर एक ही सेल दिखा दिया गया है, बाकी सेल नहीं दिखाई गई है, पूरी कोशिकाएं ही हैं। इस स्पेशल सेल को कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, यह एक प्रकार की स्टेम सेल होती है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होती है। आर्कीस्पोरियल सेल परिधीय विभाजन द्वारा दो कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें जो चलैजा की तरफ कोशिकाएं होती हैं उन्हें पेराइटल सेल कहते हैं, और इधर जो माइक्रोपिल की तरफ दूसरी कोशिका होती है उसे स्पोरोजेनस सेल कहते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है ये दोनों कोशिकाएं विभाजित होती हैं। जो पेराइटल सेल है इसमें शुरुआत में तो दो तीन विभाजन होता है, उसके बाद विभाजन बंद हो जाता है और ये कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो स्पोरोजेनस सेल है ये मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करती है और इसमें आगे डिवीजन होता है जिससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर पेराइटल सेल डिवाइड हुई है और उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे डिजनरेट हो रही हैं। स्पोरोजेनस सेल जो कि एक मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, ये दोनों कोशिकाएं ही डिप्लाइड होती हैं। इस बीजांड काय की सभी कोशिकाएं डिप्लाइड हैं यानी द्विगुणित हैं। स्पोरोजेनस सेल मेगास्पोर मदर सेल की भांति काम करती है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोरोजेनस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा और चार मेगा स्पोर बन जाएंगे। यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं और चारों कोशिकाएं हैप्लाइड होती हैं। तो जो स्पोरोजेनस सेल है ये किसकी तरह काम करेगी? मेगा स्पोर मदर सेल, MMC की तरह काम करेगी। ये कोशिका डिप्लाइड है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो चार मेगा स्पोर बनेंगे और ये सभी मेगा स्पोर हैप्लाइड होंगे। ठीक है, और चारों मेगा स्पोर एक लीनियर टेटार्ड बना लेंगे यानी एक क्रम से व्यवस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चलेजा है, इधर चलेजा है और ये माइक्रोपिल है। जो चलेजा की ओर मेगा स्पोर होंगे वो फंक्शनल होंगे, बाकी तीन मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। चलेजा की तरफ जो मेगा स्पोर है ये फंक्शनल है, ये जीवित है, जबकि तीन धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बीजांड के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। जो गुरु बीजाणु है ये अगुणित कोशिका होती है। ठीक
ठीक है, यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन समाप्त हुआ। अब इसके बाद में शुरू होता है मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये जो गुरु बीजाणु है ये मादा युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है, यानी इसी गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बनता है। और मादा युग्मकोद्भिद है क्या? भ्रूण कोष। भ्रूण कोष को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखिए क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर में ग्रोथ होता है, ये आकार में बढ़ता है और आकार में बढ़ते हुए ये बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। ये बीजांड काय था पूरा हुआ, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं थी, तो यहाँ पर मेगास्पोर ग्रोथ करके बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। इसका जो आकार है काफ़ी बढ़ जाता है। इस समय इस मेगास्पोर को जो न्यूट्रिशन है वो इसी बीजांड काय की कोशिकाओं से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं थी वो नष्ट होकर के इसको पोषण प्रदान कर रही हैं। अब इस बड़े से मेगास्पोर को हम क्या कहेंगे, इम्ब्रियो सैक। अब इम्ब्रियो सैक के अंदर एक कोशिका है और यह इम्ब्रियो सैक कैसा है, हैप्लॉइड। ये कैसा है, अगुणित इम्ब्रियो सैक है। इम्ब्रियो सैक का केंद्रक डिवाइड होता है और दो केंद्रक बना लेता है। फर्स्ट डिवीजन में दो केंद्रक बनाएगा और दोनों केंद्रक अपोजिट पोल की तरफ, मतलब एक इधर और दूसरा माइक्रोफिल की तरफ, एक चलेजा की तरफ और दूसरा माइक्रोफिल की तरफ गति करेगा और दोनों अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे। अपोजिट पोल पर पहुंचने पर प्रत्येक केंद्रक में दो बार विभाजन होगा और एक केंद्रक से चार केंद्रक बन जाएंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। चलेजा की तरफ चार केंद्रक और माइक्रोफिल की तरफ भी चार केंद्रक हो गए। इस भ्रूण कोष में आठ केंद्रक हैं जो कि चार चार केंद्रक दोनों ध्रुवों पर मौजूद हैं। अब इनमें से प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक सेंटर की ओर मूव करता है और सेंटर में आकर के एक दूसरे से जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है। यहाँ पर केंद्र में आकर के जुड़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है, तो दोनों ध्रुवों पर तीन तीन केंद्रक बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तीन केंद्रक चलेजा की ओर बनेंगे, तीन केंद्रक माइक्रोफिल की तरफ होंगे और दो केंद्रक सेंटर में होंगे। इन सेंटर के जो न्यूक्लियस हैं इनको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि एक भ्रूण कोष में आठ केंद्रक होता है, यानी शुरुआत में भ्रूण कोष आठ केंद्र की होता है। जैसे जैसे विकास होता जाता है, चलेजा की तरफ जो केंद्रक है इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और ये तीनों केंद्रक तीन कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और इन कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल कहते हैं। चलेजा की तरफ जो तीनों कोशिकाएँ हैं इनको एंटीपोडल सेल कहेंगे, एंटीपोडल सेल्स। इसी प्रकार से माइक्रोफिल की तरफ भी तीन केंद्रक होते हैं, इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है और उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है और इन तीन कोशिकाओं के समूह को एग अपरेटस कहते हैं। ये जो तीन कोशिकाएं हैं इनके समूह को एग अपरेटस कहते हैं और एग अपरेटस में ये जो मध्य की कोशिका है ये ओवम है और दोनों साइड की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएँ सिनर्जिड कोशिका कहते हैं। यानी कि अब एक भ्रूण कोष में केंद्रक तो आठ है लेकिन कोशिकाओं की संख्या सात है, तो एक परिपक्व भ्रूण कोष आठ केंद्र किए और सात कोशिकीय होता है। तो इस प्रकार से एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, क्योंकि जो भ्रूण कोष है वही मादा युग्मकोद्भिद है। देखिए यह है एक फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना है, भ्रूण कोष है, यह एक फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना है, यानी कि क्या है, एक भ्रूण कोष है। ठीक है, इस भ्रूण कोष में इधर के ऊपर की तरफ चलेजा है और नीचे की तरफ माइक्रोफिल, ये बीजांड के अंदर है। ऊपर तीन कोशिकाओं का समूह है जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं, इसके बीच में दो कोशिकाएं हैं, दो केंद्रक हैं जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं
और माइक्रोफिल की तरफ तीन कोशिकाओं का समूह है, और इन तीनों कोशिकाओं के समूह को एग ऑपरेटस कहते हैं। एग ऑपरेटस में बीच की कोशिका बड़ी कोशिका होती है, वो एग सेल है, और किनारे की दोनों कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो इस प्रकार से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 केंद्रक होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस में। ये सभी कोशिकाएं ये हैप्लाइड होती हैं, जबकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लाइड होता है। निषेचन के समय एक जनन केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा मेल न्यूक्लियस एग सेल से मिलकर के डिप्लाइड जाइगोट बनाता है, जिससे एम्ब्रियो बनता है। तो ये हो गया गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद का विकास। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।